हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसफुल कुकिंग विद मी। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल एग करी। ये करी लगभग सभी लोगों को खाने में अच्छी लगती है और आज हम इसको देने वाले हैं एक ट्विस्ट। ये नॉर्मली घर पे पड़े हुए मसालों से बनकर तैयार हो जाएगी। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमने लिए 5 से 6 अंडे, इनको उबाल लिया है हमें और छील लिया है। अब इनको करेंगे मैरिनेट। सबसे पहले हमने आधा चम्मच डाला नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च, और इन मसालों को अच्छे से हमें इन अंडों के ऊपर कोट करना है। ऐसे अच्छे से हिला के आप सभी मसालों को अंडों के ऊपर लगा लीजिए। फिर लिया है हमने एक पैन, पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इन अंडों को सौटे करेंगे। आप चाहो तो इन अंडों को डीप फ्राई भी कर सकते हो। मोस्टली लोग डीप फ्राई भी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही कम तेल में बनाने वाली हूँ ये रेसिपी। जब अंडों का कलर हल्का चेंज हो जाएगा तब आप इन अंडों को बाहर निकाल लोगे। इसको धीरे धीरे से ऐसे हिलाते रहना है आपको। फिर हमने दोबारा लिया एक पैन, पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और सबसे पहले हम लेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इनको भुनेंगे। जब इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे अनियन। अनियन को मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है और इन अनियन को हल्का सुनहरे रंग होने तक हम भूनेंगे। ज़्यादा डार्क सुनहरा कलर नहीं करना है। 3 से 4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है। यहाँ पे अनियन का कलर चेंज हो चुका है तो हम ऐड करेंगे टोमेटोज। 3 से 4 टोमेटोज लिए और उन्हें रफली काट लिया है। और टोमेटोज आपको तब तक पकाने हैं जब तक ये हल्के सॉफ्ट ना हो जाए। हमारे टोमेटोज पक कर तैयार हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक मिक्सी जार में और थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे। आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाकर देखना, आपको खाने में काफ़ी अच्छी लगेगी। अभी हम इसमें एक रेस्टोरेंट स्टाइल देने के लिए ट्विस्ट करेंगे। दोबारा हमने पैन में लिया है तेल और उसमें डाली है 2 से 3 ड्राई रेड चिली, साथ में बे लीफ, कार्डेमम और थोड़ा सा जीरा। और जब जीरा हल्के ब्राउन कलर का हो जाएगा तब हमें अपने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और थोड़ा तेल ठंडा होने का वेट करेंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड चिली ली है और आप इसे हल्के से हिला लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे मसाले हैं एक तो जलेंगे नहीं और इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और फिर उसमें डालेंगे हम अपना तैयार किया हुआ पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम अपनी गैस की फ्लेम को दोबारा ऑन कर लेंगे, मसालों को अच्छे से पकाएंगे। इस मसाले को आपको बारी बारी से हिलाते रहना है। बीच में 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाला है सॉल्ट, आधा चम्मच चिकन पाउडर यानी कि चिकन मसाला और आधा धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक मसाला अपना तेल नहीं छोड़ देगा तब तक आपको इस मसाले को पकाना है। देखिए कितने अच्छे से ये मसाला बनकर तैयार हो रहा है हमारा। अब मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है और सरफेस भी नीचे से छोड़ दिया है। अब दोबारा हमें क्या करना है कि हमारी गैस को फ्लेम को बंद कर देना है
और इस मसाले को थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हमें 2 चम्मच डालने हैं यहाँ पे दही के। ये हमारा है रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट। इससे इस ग्रेवी की जो रिचनेस है बहुत अच्छी हो जाएगी और टेस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। जो नॉर्मली हम करी वेजिटेबल बनाते हैं ना, उस करी से बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट लगेगा आपको इसका। दोबारा गैस को ऑन कर लेंगे और इसको अच्छे से बनने देंगे। साथ में इसमें डालना है 1 कप गुनगुना पानी। फिर इसमें तैयार किए हुए एग को डाल देंगे। अब इसे आपको 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही स्लो फ्लेम पे बनाना है और एक प्लेट की हेल्प से इसको ढक देंगे। एग करी बनकर हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आप भी इस तरीके की रेसिपी बनाकर देखना, आपको खाने में काफ़ी अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।